नमस्कार, मैं उर्मिला सिंह वार्ड 15 जनप्रतिनिधि के नेतृत्व करती हूँ। मेरा काम 15 साल से चल रहा है। मेरे वार्ड के लोग, मैं 7 में ही वार्ड काउंसलर बनी थी। अभी तक मैं जनता के प्रति अपना व्यवहार ऐसा रखती हूँ कि जैसे घरेलू हूँ। हम लोग का व्यवहार इस तरह बना रहा है कि जब जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ा हुआ आया, मैं उनका सेवा हमेशा करते रहती हूँ। आज मैम, आपके वार्ड में मात्र उद्बोधन आश्रम की ओर से पूजन कार्यक्रम रखा गया है। 1974 की बात है, जब मैं शादी करके आई थी, उस समय हमारे पिताश्री माने हमारे ससुर जी बहुत पूजा पाठ करते थे। उस समय मेरे यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आया करते थे। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या, क्योंकि मैं आर्मी से प्रोडक्ट थी और एकाएक सिविल लाइन में मैं आ गई। इसके बारे में मुझे जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे मैं इस चीज़ को समझने लगी और 75 के बाद कई हमारे यहाँ यज्ञ हुए। सतचंडी यज्ञ, लखचंडी यज्ञ, महालखचंडी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ, कई यज्ञ हुए। तब मैं अच्छी तरह से जान गई कि मेरा घर पूजा पाठ से परिपूर्ण है और ये हमारे घर में सबको संस्कार, बच्चा अपने घर में पूजा पाठ करे और सास ससुर का नाम ऊंचा बढ़ाए। राज्यपाल आएंगे, रविशंकर जी आएंगे, नितिन नवीन आएगा और कई बड़े अधिकारियों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है। डॉक्टर सब आएंगे, मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमूल्य आलोक और कई गणमान्य व्यक्ति आएंगे। निगम में चुनाव भी आने वाला है मैम, जैसा कि आपको पता है कि इस बार मेयर पद का चुनाव जनता के सहयोग से होने वाला है, तो एज ए पार्षद आप इस फैसले का कितना सहयोग करती हैं ना? सहयोग तो करेंगे। जो राजनीतिज्ञ बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ होंगे और जो जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी उनका मैं समर्थन करूँगी। वो लेकर के आप जनता से क्या अपील करना चाहती हैं अपनी तरफ से आगामी चुनाव? चुनाव के लिए हमको जनता से अपील करने की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद सजग है और वो जानती है कि किसको क्या करना है। हम जनता के बीच रहते हैं, जनता का सुख दुख के भागी हैं, इसलिए जनता सब कुछ जानती है कि हमको किसको वोट कास्ट करना है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।